अगर मैं आपसे कहूं कि आपको नदी के उस पार जाना है और उस नदी पर कोई ब्रिज कोई बोट नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप जाएंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऐसा पॉसिबल है, हमारे ऋषि मुनि ऐसा ही करते थे और वो नदी के ऊपर चल के ही पार करते थे। श्री देवरा बाबा इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, अब कैसे जान लेते हैं। चलिए मार्कंडेय पुराण की तरफ और ब्रह्मवैवर्त पुराण की तरफ। पुराणों में वर्णन है कि 8 सिद्धियां होती हैं, अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। इन्हीं में एक लघिमा नाम की सिद्धि होती है जिसके प्रयोग से योगी लोग अपने शरीर को रुई के समान हल्का कर लेते थे और कहीं भी पानी के ऊपर हवा के ऊपर चल सकते थे। लेकिन सिद्धियों की प्राप्ति इतनी आसान नहीं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य पारलौकिक शक्तियों से होता है जो आत्मिक शक्तियां होती हैं, जो बहुत तप और साधना से प्राप्त होती हैं। अगर आपको ये सिद्धियां मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? आप अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति करने में लगे रहेंगे, इसीलिए ये सिद्धियां आपको नहीं मिलेंगी। सिद्धियां उन्हें ही मिलती हैं जो सिर्फ जन कल्याण के लिए उनका प्रयोग करते हैं। हनुमान जी में भी 8 सिद्धि थी और 9 निधियां थी। तुलसीदास जी की रामायण में आपने पढ़ाई होगा और हनुमान चालीसा में भी हम लोग पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। दोस्तों, पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि बहुत सारे ब्रिज होते हैं और बोट स्टीमर होती हैं। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ही नदी पार करते थे क्योंकि उन्हें जन कल्याण करना होता था। श्री देवरा बाबा कहीं भी जाते थे तो इन्हीं सिद्धियों के प्रयोग से, लघिमा सिद्धि के प्रयोग से बाबा नदी पार करते थे। पर बाबा ऐसा कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं करते थे, मतलब अपनी ही साधना में या तपस्या में कहीं जाना होता था तब वो ऐसे ही जाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाबा को पानी के ऊपर चलते हुए देखा है। विदेशों में भी हमने ऐसा सुना है कि वहाँ कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे पानी के ऊपर चलते हैं, पर वो पूरी तरह फेक होता है क्योंकि वो कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास पहले ही नीचे लगा लेते हैं, बस उसके ऊपर थोड़ा मीटर को चल के दिखाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि वास्तव में भी चलकर पूरी की पूरी नदी पार करते थे। तो दोस्तों, बाबा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है ये, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी। इसीलिए कभी चैलेंज मत किया करो। कई लोग चैलेंज करते हैं आध्यात्मिक शक्ति को, नहीं ऐसा होता ही नहीं, कहीं कोई पावर नहीं होती। तो मेरे भाई, मुझे पता है तुम लोग ऐसा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करते हो। भगवान की शक्तियों को चैलेंज मत करो। श्री देवरा बाबा, हनुमान जी इनलाइटेड महायोगी और भगवान हैं, उनको चैलेंज करना ठीक नहीं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अच्छा इसी में ही है कि जो उन्होंने किया है उसे मान लो और हनुमान चालीसा पढ़ा करो। राधे राधे।